आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली 10-12 डेज बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो कैसे आप सब लोग, मैंने भी बहुत मिस करा आप लोगों को और आपने भी मुझे मिस करा। वैसे तो मैं पम्मी के व्लॉग चैनल पर व्लॉगिंग कर रही थी, बट ये वाले चैनल पर मेरे कुछ अलग सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट है, तो मैं उनके साथ व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस करा और आपने भी मुझे डेफिनेटली मिस करा होगा, मुझे पता है। बहुत सारे पेपर्स कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो सॉन्ग की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। बट अब मैं आ गई हूँ बैक, अब हम बनाएंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो गाइज आज मैं, मम्मा, गुन्नू, पापा, नोना, अंशु, पुनीत, मीनाक्षी दीदी, वशु, हम लोग जा रहे हैं आज बारबेक्यू नेशन, क्योंकि पम्मी के 1,00,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। पम्मी ने हमें पार्टी नहीं दी थी, पेंडिंग थी, उन्होंने बोला कि जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद पार्टी दूंगा, तो इस वजह से हम सब रुके हुए थे, उनके पास पैसे आ गए, तो आज वो लेके जा रहे हैं हमें बारबेक्यू नेशन। और जगतपुर वाले घर से जा रही है मीनाक्षी और दीदी। आप लोगों को पता है हमारे घर में ज़्यादा आउटिंग का किसी को शौक नहीं है और ज़्यादा बाहर का खाने का भी किसी को शौक नहीं है, बट हाँ इधर वाली फैमिली में सबको बाहर जाना पसंद है, इधर वाली फैमिली में सबको जाना पसंद है। बट हाँ दीदी है वो वहाँ से भी कम घूमने जाते हैं, तो मैंने दीदी को पूछा, वो चलने के लिए रेडी है, तो दीदी और मीनाक्षी दीदी और वशु जा रहे हैं। तो चलो गाइस चलते हैं, और कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद मेरा ब्लॉग देख के, और कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स में बात करेंगे। जिस जिसने मुझे मिस करा, जिसने मिस करा उसको मिस यू टू एंड लव यू। तो चलो अब आगे, मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैंने ये पहना है और ये है मेरा लुक, देखिए। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना इतने दिन बाद ब्लॉग बन रहा है तो आपसे अपने जेन्युइन रिव्यूज शेयर कर लूँ, जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं इतने दिन बाद, 10 दिन बाद आज ब्लॉग आया, तो आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं स्किन केयर, हेयर केयर। हेयर केयर तो फिलहाल अभी मेरा कुछ नहीं है, जो होगा आगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और हेयर केयर भी डेफिनेटली मेरा क्योर स्किन के साथ होने वाला है। फिलहाल अभी बात करते हैं हम इस गर्मी सीजन में स्किन केयर की, मतलब यार पागल हो गए हैं, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है तो सबसे पहले हम लोग मेकअप करते हैं। बट क्या हो रहा है इन गर्मियों में, मेकअप पड़ जाता है ब्लैक, एकदम ऑयली स्किन हो जाती है। अभी फिलहाल मैंने मेकअप में कुछ नहीं करा है, सिर्फ लाइनर मेरा लगा हुआ है, मेरा लाइनर अभी लगा हुआ है, बाकी मेरे फेस पे कुछ नहीं है। और आपको पता है व्लॉग फिल्टर में नहीं बनता, ये विदाउट फिल्टर स्क्रीन होती है। तो गाइस ना मतलब रैंडमली पता हो क्या रहा है, मतलब कि ना इस मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी है, फेस काला पड़ जाना, मेकअप फट जाना, और मतलब ना स्किन हेल्दी ना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट क्या है, इतनी मेहनत हम लोग रेगुलर डॉक्टर या किसी के पास जाके भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप लोग मुझसे पूछते हो। तो भाई मैं क्योर स्किन ब्रांड यूज़ करती हूँ और मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करना चाहूँगी, डेफिनेटली इसे यूज़ करके देखो, बहुत ईजी टू यूज़ है। आगे आगे मैं सब बताऊँगी। लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरा फेस बहुत ज्यादा काला पड़ने लगा, मेकअप कर रही हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ तब भी काला पड़ रहा है। फिर मैंने अपने डर्मेट से बात करी, अपने डॉक्टर से बात करी डायरेक्ट कॉल पर, जब मेरा मंथली फॉलोअप होता है, चेकअप होता है, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि सनस्क्रीन नहीं छोड़नी, चाहे आप इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, मतलब घर में भी हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि हम गैस के आगे भी जाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, मशीन में जाके बाहर कपड़े भी धो रहे हैं, किसी के वॉशरूम बाहर है कुछ है, तो धूप में हमारा निकलना घर में रहते रहते भी हो जाता है, कपड़े सुखाने जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, और अपना मॉइस्चराइजर मत छोड़ो और अपना सनस्क्रीन मत छोड़ो। तो मुझे उन्होंने इजिली बताया, मैं यूज़ कर रही हूँ और रेगुलर मेरा फेस बिल्कुल आप देख सकते हैं ठीक है। उसके बाद गाइज मैंने अपनी पिछले एनालाइज उठा के देखे, मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा रही हूँ, आप लोग देखना मेरा बिफोर एंड आफ्टर मैं लगाऊंगी। मैंने अपने पहले स्किन एनालाइज देखे और मैंने जस्ट आज का देखा या एक दो दिन पहले का देखा, मैं यहाँ पे सारे स्किन एनालाइज लगा रही हूँ, आप लोग देखना मुझे इतना ज्यादा फर्क दिखा, आई एम सीरियसली शॉक्ड, क्योंकि क्योर स्किन में क्या है ना यार, मतलब ये जो है ना हमारा स्किन एनालाइज, ये मुझे साल भर हो गया, तो मेरे साल भर के स्किन एनालाइज पड़े हुए हैं, मैं कभी भी देख सकती हूँ कि मेरे भाई कितना फर्क आया कितना नहीं आया, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, आप आराम से देख सकते हो। आपको ट्रस्ट इशू खुद ही आपका दूर हो जाएगा जब आप खुद अपना पहला स्किन एनालाइज देखोगे, फिर बात बात के देखोगे। फिर मैंने डॉक्टर को जब बताया ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है भाई गर्मी में, तो मेरा फेस डॉक्टर ऐसे हो रहा है या फिर मेरा मेकअप भी बह रहा है, तो मेरी स्किन इसका मतलब हेल्दी नहीं है, ऑयली है, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के साथ साथ फ्री में जो कंसल्टेशन मैं उनसे लेती हूँ फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला आपको जूस और पानी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सबसे ज्यादा जितना जूस पी सकते हो उतना जूस पियो। तो ये सब चीजें डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स आपको बताते हैं, सिर्फ जो किट का प्राइस होता है 1200-1300-1400, और इसमें भी अब एक बंपर ऑफर निकला है, मतलब जो कुछ ही सब्सक्राइबर के लिए स्टार्टिंग में, जल्दी से जाके आप लोग ये ऑफर का फायदा उठाएं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में, ठीक है गाइस। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया जूस पियो, पानी पियो, अपनी ये जो मेरे पास सनस्क्रीन दी है ये करो, और उसके बाद मतलब ना जो मेरी किट है वो पूरी कस्टमाइज है, ऐसा नहीं है कि सबको सेम किट देते हैं, एनालाइज करने के बाद एक किट कस्टमाइज होती है, और किट को कैसे यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट कितना लगाना है, ये सब ऐप के अंदर होता है। तो इतना अच्छा ऐप आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, जो आपको फ्री में कंसल्टेशन देगा, फ्री में आपको डाइट चार्ट देगा,
फ्री में आपसे बात करेंगे, फ्री में आपका फॉलोअप होगा, फ्री में आप अपना फेस एनालाइज कर सकते हैं। बस आपको चार्ज देना है तो अपनी किट का, जिसमें एक किट में आपको एक नहीं तीन से चार प्रोडक्ट पांच प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। तो डेफिनेटली जाके क्योर स्किन यूज करें। और मैं एक खास बात, एक बम्पर ऑफर बता रही हूँ, ये लिखा है प्रेरणा 300, ये सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। पहले जो जाके जल्दी से क्योर स्किन डाउनलोड करेंगे, लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो उन्हें उनके ऑर्डर पर ₹300 का ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में से लिंक ओपन करो, क्योर स्किन डाउनलोड करो, यूज करो। देखो हर लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपकी है चूज कर सकते हो, डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो बिना पैसे दिए। उसके बाद किट ऑर्डर करनी है, डॉक्टर्स पर्सनली आपसे बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये ऐप बहुत ज्यादा मतलब एक ना फ्रेंड की तरह है कि सब चीजें इससे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले सकते हो। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ओपन करो, क्योर स्किन टाइटल पे टैप करके डिस्क्रिप्शन खुलेगा जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए। तो जाके डेफिनेटली ऐप यूज करो एंड क्योर स्किन यूज करके अपने रिव्यूज में साथ शेयर करो। चल चुके हैं और ये रही नोना बेबी, इसने भी ग्रीन पहना है, मैंने भी ग्रीन पहना है, मम्मी ने भी ग्रीन पहना है। तू कैसे पहन रही है? मैंने काले रंग को पहना, दिखाना तू भी हरा ही पहन रही है। मैंने ब्लैक पहना है, ब्लैक। ये भी इन्होंने ब्लैक सूट पहना है, मम्मी ने हरा, मैंने भी हरा, नोना का भी लाइट कैसे रंग के पहन लिए। गुन्नू ने तो पीला पहना है, वो मेहंदी वो हल्दी मजा रही है, मम्मी मेहंदी पहना है, उसने कई रंग कॉर्ड सेट पहना है उसने। तो गाइस चलो अब चलते हैं फिर। कैसा लग रहा है आज आपको, आपके 1,00,000 कप के हुए पार्टी आप आज दे रहे हो, तो आज पम्मी की 1,00,000 की पार्टी में इनवाइट है को। तुम्हें बुरा लग रहा है पर हमें अच्छा लग रहा है। आ चुके हैं फिर से बारबेक्यू नेशन, आ रही नोना उठ गई, सो रही थी अब उठ गई। मम्मी आज तो ग्रीन कलर की पेस्ट्री भी है, आज तो ग्रीन कलर की पेस्ट्री भी है। और पापा आ रहे हैं उधर से और गुन्नू आ रही और हम सब ये रहे। स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारे स्टार्टर्स आए हैं और मीनाक्षी दीदी को गोलगप्पे बड़े पसंद है, सबसे पहले गोलगप्पे आए हैं भर भर के। यहाँ पे भी चलो अंशु गोलगप्पे नोनू। तो गाइस आगे का जो व्लॉग आने वाला है कि हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, कैसे क्या यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वो आएगा इस चैनल पर। मैंने की इनके तमीज से खाता हूँ कह रहा, मुझे दिखा वशु देख कैसे खा रही है, तमीज से करती प्लेट बना के लाई हूँ, बहुत टेस्टी है। ये खा के देखो, ये खा के देखो, ऐसे ही ले लो ना, मोना नहीं खाई गरम है, छोटे छोटे के सही लग रहे हैं ना, है ना। हाँ हाँ चाउमिन पसंद है उसे। ये क्या मैंगो दही, ये ना एक एक प्लेट में अलग अलग टेस्ट कर रहा है, अच्छी है। तुम तो सोची होगी बनवा दीदी लोअर टी शर्ट पहनी जाती, सही रहता आराम से खाती। और ये है पम्मी का केक जो इनकी तरफ से है, इन्होंने ही हमने मतलब पूछते हैं लोग कि क्या पार्टी आपकी। हाँ तो ये है कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये पम्मी का केक है तो आ चुका ही है। पम्मी की केक कटिंग नोना को ले लो गोदी, हाँ बैठ के ही कटवाएंगे हम। चलो भैया काट रहे हम मम्मी बोलो भैया हम काट रहे हैं, काट रहे हैं। 2-1 गो गाइस पम्मी की 1,00,000 का केक आप कट रहे हैं, थैंक यू। ये बड़ा अच्छा बोलते हैं भैया, आजा नीचे बच, बच्चों के बाल कैसे कर बच। गाइस सनरूफ खुलते ही फिर ये नीचे नहीं जाती, अब इसे देखो ऊपर जाना, इस पे खड़ा कर तो हो जाएगी, इसकी हाइट छोटी है ना, अभी छोटी है, रबड़ नहीं है, रबड़ नहीं है। अब नीनू बस, अब बेबी बस, अब घर चल रहे हैं, नहीं घर। और ये हम छोड़ के जा रहे हैं और इतना खाया इतना खाया, मम्मी पूछ रही अभी भी कुछ कसर रह गई तो बताओ। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हवा देखो कितनी तेज चल रही है, और चाबी हमारी पापा पे, पापा अभी तक आए नहीं है गाइस, यही रखा बेटा मैंने। और नोना आते ही चली गई है गोलू पे, गोरी चंदन पे गोलू पे,
वहाँ खेल रही थे। घर और घर आते मैंने सबसे पहले आके करा चेंज, कोमल इधर आ, और ये रही कोमल नोना को लेके हांड रही है। नोना कहाँ गए थे आप? हाँ खाना खाने। तो गाइस ये यहाँ पे खाना नहीं खाती, पर हाँ ये कोमल क्या जाके ना खाना जरूर खाएगी, इससे यहाँ पे नहीं खाया जाता। तो जस्ट अभी चेंज करा, मेकअप मैंने नहीं हटाया क्योंकि ज़्यादा करा ही नहीं था, और अब मुझे ना मेकअप करना भी आ गया है तो मैं अच्छी लगती करके। तो चलो गाइस अब आपसे मिलेंगे सुबह, हम सो जाते हैं फिर करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू सुबह। और मैंने आपको ये चीज़ तो बताई नहीं, मैं आई हुई थी अपने घर गाइस 2-4 दिन के लिए, क्योंकि आपको पता रेगुलर आती हूँ, रुकने कभी नहीं आती, तो मैंने सोचा 2-4 दिन रुकने आ जाती हूँ, तो मैं रुकने आई हूँ। ये सब आप सोच रहे होगे कि प्रेरणा दी यहाँ पर क्यों है, तो मैं इसलिए हूँ। तो चलो गाइस, तो गाइस जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ, मतलब फ़ोन चला रही थी, लेटी हुई थी, और ये देखो कैसे सो रही है, और ये सुबह सुबह आ गए। किससे मिल रहा है? थोड़ा सा मिल रहा है ना, मुझे बस देखना भी ठीक है। इस घर में इसने आज तक मेरे से गुड मॉर्निंग नहीं बोली, और अब इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों पर गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं 2-3 दिन से मैं यहाँ हूँ, और घर में आज से पहले कभी मेरे से गुड मॉर्निंग नहीं बोली। इंस्टा पे मुझे मैसेज कर कर के कल से रात से कह रहे हैं आ जा यार घर, मन नहीं लग रहा। अब तो तुम एक महीना मेरे बिना मन लगाओ भाई, जब मुझे छोड़ने आए तो तुम क्या कह रहे मम्मी से एक महीने को 6 महीने ही रख लो, तो मैं 6 महीने ही रहूँगी। और इसको देखो गाइस सोने का स्टाइल इसका कैसे है, पगलों का। तो गाइस यहाँ 2:30 बजे चल रहा है ब्रेकफास्ट, मम्मी बना रही है। अच्छा करने के हमारी चीज डाला अंडे ब्रेड में, और ये इतनी एक्टिंग, ऊपर वाली ब्रेड ठीक, मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाली ब्रेड का ठीक आ रहा है, ब्रेड टेस्ट अजीब आ रहा है, पता चीज है। ये अभी जाएंगे, अभी खा के बैंक जाना है। तुम खा नहीं रहे क्या? तुम मुँह फेर लिया तुमने? इनकी अभी सफाई नहीं हुई ना, अजीब क्यों हो रहा है? हाँ इनकी भी सफाई होगी गाइस, मम्मी ने ना गाड़ी ब्लैक जेट करवा दी है, अंदर से आपको नहीं दिख रही होगी। लगा दे दोनों की, अंदर से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ अंदर से बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, बाहर से जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना तब पूरी गाड़ी आपको ब्लैक जेट दिखेगी। चालान भरते हुए निकलेंगे हम, और पीछे वहाँ पे अंशित रोही हो दिख रहा है यूट्यूब का साइन, वहाँ पे इन्होंने प्रेरणा व्लॉग, मम्मी प्रेरणा व्लॉग दोनों के चैनल के नाम लिखा है, कशिश गुस्सा हो गई है। आप लोग सोच रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो लोग मम्मी पैसे कहाँ गए? अच्छा हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, नोने के कपड़े नहीं है तो मैं आई हुई थी, तो नोने को कपड़े दिलाने हैं गर्मी के, ऐसे भी दिलाने हैं, और मैं लाई हूँ सिर्फ अभी 10,000 रुपए सिर्फ इसकी शॉपिंग के लिए। जीजू का भी नहीं दे क्योंकि वहाँ पे जाने तो जीजू कुछ लेना तो हो ही नहीं सकता, जीजू को भी बोल नहीं, पर अभी सिर्फ मैं 10,000 रुपए जो पूरे लाई हूँ वो इसके कपड़े और इसके सैंडल, क्योंकि कल भी पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे इसके पास सैंडल नहीं है। देख 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 कितनी शॉपिंग कितनी कुछ हुई है, ये मैं क्या इधर उधर कर लिए लाए हैं, मेन एक जगह से आ जाओ कभी इधर जाओ। बेबी कितना कुछ हो रहा है, तू कमला नगर और आते ही नोना सो गई। मम्मी ने हम सबको शॉपिंग के लिए आज पैसे दिए, चाहिए कितने ही लिया है फिर भी। गाइस मैंने सबसे पहले कमला नगर आते ही एक ये मेकअप पाउच लिया है, आप सोच रहे होगे कि इस तेरे पास इतने सारे मेकअप पाउच है तूने क्यों लिया है, ये मीनाक्षी दीदी के लिए लिया है। मेरे को लगा पम्मी मेरे को आज टोक रहे कैसे नहीं है, क्योंकि अच्छा इतना पैसा हो गया था तुरे। गाइस वो ना मेरा दीदी मांग रही थी, पर मेरे पास ना फ्री नहीं है कोई, तो उनके नॉर्मल मेकअप ही होता है, तो मैंने ये ले लिया, 200 बोल रहा था, 150 का दिया है, पर बहुत क्यूट कलर है और बहुत क्यूट थी, और हमने इसके सोते सोते सैंडल यहाँ पे 4 जोड़ी, क्योंकि कल पापा बोल रहे हैं कहीं भी नंगे पैर नीचे घूमती है तो अच्छा नहीं लगता, इसके सैंडल ले लो। तो आज सबसे पहले आते ही हमने इसके सैंडल लिए 2 और 2 शूज़ लिए, मैं आपको दिखाऊंगी सब घर जाके, यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी कलेक्शन है इस शॉप पे ना कमला नगर में, तो यहाँ से लिया है हमने। और अब उठ गई, अब हम ले रहे हैं नूना के कपड़े, दूसरी वाली होती है ना ऐसी टाइप वाली, कॉटन स्टफ वाली चाहिए, जीन्स वाली नहीं। नीनू नीनू एक बार देखना बेबी, और गाइस इसके चिक्स तो पता नहीं अभी गाड़ी में क्या हो गया, मैंने भी आज चूड़ा नहीं पहना कुछ भी नहीं पहना, पता नहीं इसके कैसे लग गई चिक्स पे इतनी ज़्यादा, या कॉर्ड सेट टाइप दिखा दो जो सब मम्मी ले गई ना वो सब नहीं लेना। हमने सिंधी से कमला नगर में ये वाले भैया की सिंधी शॉप से लेते हैं, मतलब भैया 2 है ना सिंधी है ना, पर हम गाइस 3 है, मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन से वाले से लेते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत बार सब लोग पूछते हैं कि नोना के कपड़े कहाँ से लेते हैं। तो गाइस ये वाली सिंधी गारमेंट्स है, ये सोनी कॉर्नर है, गौरव है, दिशु फैशन वियर है, मतलब एक गली में आके अगर आपको पता हो तो ये वाला सिंधी कलेक्शन है, यहाँ से लेते हैं हम। आप लोग कई, हाँ आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से लेते हो, और इनके पास ना प्राइस आप देख सकते हो, ये देखो
प्राइस टैग आपको दिख रहा होगा और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम यहीं से लेते हैं नूना के कपड़े। ये लिए मैंने सारे नूना के, और ये वो लिए तो हैं इसके नूना के पास है ना, ये वाले लिए हैं जय के दो जोड़ी। तो हम दिखाएंगे आपको घर जाके क्या क्या लिए हैं, पर कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, वो अपने खुद चूज कर दिए कपड़े। नोना को गाड़ी के ऊपर बिठाया था, उतरनी भी सारे में घूम रही है, और आज पम्मी ने सारे शीशे काले कराए और ये लिखवाया हमारे यूट्यूब चैनल, और शीशे में बिल्कुल ब्लैक जैक करवा लिया आज ताकि चलान कटे। यो ये देखो, ओए मैडम नीचे आ, अपने बाप के पास आ जाइए चमची। अभी हम गए थे कवर चढ़वाने, फोन का कवर मैंने चढ़वा दिया है, और ये देखो ये फिर आगे गाड़ी पे चढ़ गई, और अब पम्मी को चढ़ना पड़ा इसे उतारने के लिए, पर हाथ में तब भी ना आ रही है, सॉरी है। नोना घर चलो बेबी। हम लोग कमला नगर से जा रहे थे घर, हम फिर से आए हैं भैया की शॉप पे, क्योंकि कशिश को पायल थी, मम्मी को टाइट थी, वो चेंज करानी थी, ये रहे भैया। और अभी शॉप का टाइम बंद होने वाला हो रहा है, आप लोगों ने पहले भी इनके वो हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा, आगे देखते रहोगे क्योंकि हम गोल्ड यहीं से लेके जाते हैं। अरे बता है मेरे को ब्लॉग बनाते बनाते याद आ गया, मेरी बाली का वो ले, मैंने जो बाली नहीं ले गई थी पेच, उसका ना पेच खो गया, बाली? ये वाला सेम टॉप वो मेरी खो गई, वो दे दो। और गाइस भैया ने देखो हमें एडवांस गिफ्ट भी दिया है, पता नहीं क्यों एडवांस गिफ्ट नहीं यार तुम लोग हंसने कलेक्ट कर ली, ये नहीं कलेक्ट कर ली, एडवांस गिफ्ट नहीं, ये ऐसी गिफ्ट अभी मैं लोगों को एडवांस मैं तेरी बर्थडे में मुझे 7-8 महीने पड़े तो नहीं गाइस रिटर्न गिफ्ट बोलना था मुझे, और मैंने गलती से एडवांस गिफ्ट बोल दिया। किस चीज का हुआ है? कुछ भी नहीं है, जाओ यार तुम लोग, ये वाला सेट नहीं हुआ, ये तो टैटू बना रही है, गिफ्ट बर्थडे शादी में से वापस ये ट्रेंड खराब है। तो गाइस गाइस छोड़ो रहने दो, कुछ भी नहीं है, ये मेरी सारी बातों में कभी नहीं। तो गाइस मैं आ गई थी घर और मम्मी सो रही थी, मैं मम्मी के ऊपर आके बैठी, मम्मी ने इतना क्याला देखा मैं ही डर गई, मैं वापस भाग गई। तो गाइस मैं आई हूँ और मेरे साथ नोना आई है, और गाइस 11:30 हो रही है ना रात के, इसलिए हम मार्केट गए थे कुछ सामान लेके आई, इसलिए मैंने कहा मैं ही देख आती हूँ कैसे गिर रहे गाड़ी में से चिल्ला रही आई 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 बच्चे देख के लड्डू कपड़े पहन क्या चल लेंगे नहीं मेरे पास भी नहीं आ रही खेलने के मारे। तो गाइस मैं पापा के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ दिखाना, पापा के लिए रोटी वाला थैला ले आई, पापा रोज ड्यूटी पे जावे कहवे मेरे दोनों थैला ना सही सा, तो यहाँ पर थैला ले आई इसे भी नाना तो गाइस ये वाले लिए थे हमने जैके, और ऐसे ही सेम मैंने लिया नोना के बिल्कुल सेम, क्योंकि ये वाला कॉर्ड सेट बहुत चल रहा है। तेरे बाद में आप यही हो ना, आपके बाद में लेके आऊंगी ना, आपके तो हम लाते रहते हैं, जैके नहीं थे ना जैके लाए हैं, ये भी आपके हैं। पता है मुझे कितना दुखा, मेरी मनपसंद चप्पल टूट गई, और जब मैंने ना दुकान से वैसी दिखाना पम्मी सही आ रहा है मुँह, हाँ सुनो ये वाली चप्पल देखो दीदी, आप कह रहे थे ना वाली चप्पल अच्छी लग रही है, मेरी जो हरी वाली थी ना से मैं दुकान से निकल गई आपकी लेके, बाहर निकल के मेरी टूट गई जब हम मजनूटी ले आ गए, वरना मैं वहीं से अपनी सेम ना ले लेती। ये तो आपकी है, ये तो 4 नंबर है, मुझे थोड़ी आएगा 4 नंबर, मेरी हरी थी ना बाहर निकलते ही टूट गई, मेरे को इतना दुख हुआ यार ना। अब फिर मैंने पुनीत को बोला भाई मुझे कल लेके जाइयो मैं लेके आऊंगी, कह रहे ठीक है टूट गई यार, मेरा पैर मुड़गा, मैं गिरती गिरती बची हूँ, मेरे को पिंक कलर पसंद ही नहीं, मेरे को ग्रीन पसंद था, टूट गया मेरा। गाइस इसकी मस्ती देखो, मैं कर रही थी दीदी जा रही है तो इनके लिए सूट वगैरह निकाल रही हूँ, सूट के ऊपर ही, और इसको देखो नोने इन्हें पहनना ही नहीं आ रहा, सूट का कारण है मेरी तस्वीर है नोना मुझे सही हो मम्मी ने मेरा आते ही मूड ऑफ कर दिया, मम्मी कह रही है जूते बेकार है, ये भी बेकार है, सैंडल और बुरे नहीं मिले, मतलब इतने अच्छे पिना पिना के देख के लाए हैं सारे अच्छे हैं, और बस मम्मी कह रही है कि यही अच्छे हैं, मम्मी जूते अच्छे हैं वैसे भी अच्छे हैं सारे साइज में पहनता जूते, अरे थोड़ी देर इसने एक दो बार भी पहन लिया तो पैसे वसूल है, तो गाइस चलो मम्मी इसको वो पहनाओ ना शॉर्ट्स, अंशु लेके आई उसके शॉर्ट्स बाबू
कच्चा लिया इसका कच्चा जा ये ऐसी हाँ ये इसकी है देखो अंकल इसके बैग में सॉक्स 100 के 4 5 मांग रही थी मैंने उसने दिया ही नहीं कोई बात नहीं मैं गरीब आदमी है अभी नहीं पहनने ये देखो वही वाला निकाल आएंगे तो पहनेंगे तो गाइस एक ये नोना के शूज लाई हूँ एक ये ये सैंडल है 300 के गाइस और ये है 450 के ये है 350 के ये जूते अकेले 450 के हाँ ये लिया हाँ अकेले यही और के 4-5 देगा इसके साथ तो गाइस चलो अब इसके कपड़े दिखाएंगे शूज के बस इसके यही कलेक्शन देखना इसके पैर में मम्मी ये देखो ये साइज बड़ा है ये जूते पहन के इसे सॉक्स पहन के आएगा आगे आएगा भी ना ये थोड़ी अब अच्छा 400 के जूते का जिंदगी भर बिना होगी इसे जिंदगी भर नहीं थोड़े तो दिन आए गाइस देखना इसके पैर छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं जो पहन लेगा ओए मेरा बाबू कितना चौड़ा लग रहा है मम्मी इसकी नोज़ी साफ करो गाइज मेरे फोन से ऑर्डर मम्मी देखना 1000 रुपए का खाना ऑर्डर कर दिया इसने बदतमीज ने समझा लो नहीं मत कर अल्टीमेट सेविंग बकेट मम्मी ने घर में खाना बना रखा उसे खोले मेरे फोन छोड़ दे कोमल को दिखा रही है मेरे जूते कितने सुंदर लग रहे हैं इसके पैर मम्मी लाइट वाले हैं मेरे बाबू कितना सुंदर लग रहा है इसके पैर छोटे छोटे कह रही है अब ये भी पिना नहीं ग्रीन भी अच्छे लग रहे हैं कोमल को दिखा रही है सारे अपने कितनी कोमल की दोस्त बनी ये गुनू ने बताया मेरे को पर अलग कलर है ये तो गाइस ये है नोना के कपड़े सारे ये रे ये गुनू ने पसंद करवाया मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट अपने पसंद से ही लाई है नोना कपड़े क्योंकि नोना खुद कलर चूज करती है ये करके ये ना ये वाला मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कॉर्ड सेट बहुत सुंदर है वाइट के अलावा और भी थे पर ये ज्यादा खिल रहा था तो गाइस नोना के हम कपड़े लेके आए हैं सिर्फ 9 जोड़ी अभी क्योंकि फिर मम्मी वगैरह बाद में ले जाते हैं इसका साइज मतलब कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है तो इसलिए ज्यादा लाते नहीं मैं नहीं मंगा रही की एफसी मेरे को देख मत चल हाँ मम्मा तो मेरे को पता नहीं मेरे को सेम हो जाएगा नहीं इसको कह रही है मम्मी मम्मी पर इसमें ना व्हाइट में ही अलग अलग प्रिंट थे जय का भी मैं ऐसे ही लाई हूँ व्हाइट और उसमें टॉम एंड जेरी वाला प्रिंट था मतलब व्हाइट के ऊपर ही प्रिंट ये है एक पार्टी वेयर ड्रेस गुन्नू ने पसंद करवाई है वेरी गुड और साइज देख लो बिल्कुल परफेक्ट है कोमल को देखो तो गाइस ये नोना के कपड़े आपको ऐसे ही दिखा दिए खोल के तो जब ये पहनेगी तब देखते रहना वरना सारे खोलने पड़ेंगे बच्चों आप लोग बोल रहे थे नोना को ऐसे कपड़े पता है क्या नोना ना मैं बताती हूँ गाइस एक बंदे ने मेरे ब्लॉग पे कमेंट करा जब हम खोली गए थे तो कि खुद तो इतनी हीरोइन बन के गई है और बच्चे को क्या पहना है यार ये एक दिन में ना मतलब मान लो 10-15 जोड़ी कपड़े खराब करती है बच्ची है ये जब अपने टाइम पे फैशन पे आएगी ना तो भगवान की दुआ से मेरे पास जितना होगा ना मैं उतने फैशन करवा दूंगी इसे पर ये है कि इसको यार कंफर्टेबल कपड़े चाहिए मैं इसे फ्रॉक के पहना के ले जाऊं तो ये कैसे कंफर्टेबल होगी ये चीज तो आपको सोच लीजिए कमेंट करने से पहले और उसी के रिप्लाई में एक ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था मतलब मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे नीचे रिप्लाई में कमेंट करते थे कि जब हाँ भाई वो अपने बच्चे का बर्थडे बना सकती है शौक गाड़ी के पूरे कर सकती है तो वो कपड़े भी अच्छे पहना सकती है उसके नानी नानू के अच्छे कपड़े पहना सकते हैं पर यार वो बच्ची है उसको कॉटन का स्टफ वगैरह इनमें ही वो कंफर्टेबल रहती है अब उसे मैं चुभने वाली फ्रॉक भी पहना सकती हूँ कुछ भी पहना सकती हूँ पर वो खराब कर लेते हैं उन्होंने एक बार कपड़े पहनने गंदे कर देने हैं ये बच्ची है इतनी चीज समझो आप फटाफट ऐसे कमेंट कर देते हो बच्चे को कैसा रखते हैं हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं बाकी अगर आप अच्छा रख सकते हो तो मैं अपना पेटीएम नंबर दे दूंगी 1-2 लाख रुपए कर देना मैं अच्छी अच्छी फ्रॉकें बनवा दूंगी इसको ये बात बिल्कुल सही कही क्योंकि भैया मैं तो गरीब हूँ मैं यही पहना सकती हूँ अगर आप रहीस हो तो भैया 1-8 लाख रुपए कर देना तो मैं पहना दूंगी और उसी में से KFC भी खिला दूंगी तो गाइस ये सब है तो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ और कैसा लगा मेरा ब्लॉग बता दिया मैंने ब्लॉग में पहले और हाँ अगर अभी भी उन्होंने कपड़े खराब लगते हो आपको तो 1-2 लाख रुपए मेरे अकाउंट पे करना अकाउंट नंबर दे दूंगी मैं ठीक है बाय बाय लव यू